सो हे गाइस, दिस इज अनुजोपी। और गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हम देखने वाले दो सोलो कॉन्करर रैंक पुशिंग गेम प्लेस। अभी यहाँ पे तुम लोग सोच रहे होंगे भाई इंट्रो कहाँ पे, इंट्रो क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि गाइस कल मैंने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं जिसकी वजह से क्लिप्स बनी नहीं और कोई इंट्रो भी बना नहीं। कल मैचेस इसलिए नहीं खेले क्योंकि कल दोपहर को काफ़ी सारी मतलब बहुत बारिश हुई यहाँ पे और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चली गई और मैं गेम ही नहीं खेल पाया। मेरा डेली का टाइमिंग रहता है दोपहर का टाइम पे मैं ज़्यादा खेलता हूँ, मतलब 12 से लेके शाम के 7 बजे तक ये इसमें ही मैं ज़्यादातर मैचेस खेलता हूँ क्योंकि अच्छी लॉबीज़ में मिलती है और हैकर्स नहीं रहते ये टाइम पे ज़्यादा। रात के टाइम पे बहुत हैकर्स होते हैं इसलिए मैं रात को खेलता ही नहीं। सो कल पहले मैच में मेरे को -13 मिला जो कि मैंने नेक्स्ट मैच में रिकवर कर लिया 17 पॉइंट्स के साथ। और उसके बाद एक और मैच खेला, वो भी सेफ खेला, उसमें 21 पॉइंट्स प्लस मिले। उसके बाद लाइट चली गई और रात को मैंने मैचेस खेले और नहीं, रात को सिर्फ एक ही मैच खेला मैं, उसमें लग गया मेरे को -4 या फिर -3। मैंने बोला भाई मेरे को खेलना नहीं है, वैसे भी गेम प्ले पड़ा है अपने पास, वही हम अपलोड कर देंगे। और कल मैं बस आराम से सो गया। अभी इस वाले मैच में गई, अभी बात करते हैं वाले गेम प्ले के बारे में, ठीक है। तो इस वाले मैच में गई, मैं उतरा था प्रीमॉस पे, यहाँ पे मेरे साथ एक बंदा आया था जिसको मैंने पहले ही मार दिया और उसके बाद एक और बॉट किल मिल जाता है। उसके बाद अभी मैं यहाँ से रोटेट करूँगा और सीधा जाऊँगा मिल्टा सिटी में क्योंकि ये वाली पोजीशन पे सेंटर था, यहीं पे मैं अभी होल्ड करूँगा। बाकी गाइस अपना रैंक अभी भी वहीं पे वही है, मतलब 1500 ही रैंक मेरा अभी भी चालू है और आज शायद से लगा दूँ मैं कॉन्करर या फिर देखते यार कहाँ तक हो पाता है, क्योंकि अभी A3 स्टार कुछ 30-40 पॉइंट्स पे कॉन्करर मिल रहा है, मैं अभी A2 स्टार पे हूँ। तो यहाँ पे मैं बस होल्ड कर ही रहा था कि तभी एक व्हीकल आती है, एक यूएस आती है और उसको उस वाले बंदे को इजीली मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया। उसके बाद स्मोक वगैरह करके क्रेट मैंने लूट ली और यहाँ से फिर आगे का रोटेशन करना मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं बस पोजीशन ढूंढ रहा था कि कहाँ पे जाके होल्ड करूँ। यहाँ पे मैं लेट रोटेट करता हूँ जिसकी वजह से कोई शैक या फिर स्नाइपर टावर या फिर कोई भी कंपाउंड मेरे को नहीं मिलता है, मेरे को कहीं पे ओपन में ही रुकना था। मैं बस ढूंढ रहा था, एक अच्छी तगड़ी पोजीशन ढूंढ रहा था जहाँ पे मेरे को सब तरफ से कवर मिले और कोई मेरे ऊपर फायर ना करे। तो यहाँ पे ये वाली पोजीशन मेरे को सही लग रही थी, यहाँ पे कोई बंदा मेरे ऊपर एंगल नहीं निकाल सकता था। मैं बस ढूंढ रहा था कि एक अच्छा पत्थर वगैरह कोई हो तो वहाँ पे मैं गाड़ी ठोक दूँ और कवर लगा दूँ और सामने पत्थर दिख जाता, यहाँ पे मैंने गाड़ी का कवर लगा लिया और यहीं पे स्मोक करके मैं सर्वाइव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस वाले बंदे को तो इजीली फिनिश कर दिया, बट इसी बीच जो बंदा स्नाइपर टावर पे बैठा था उसने सिंगल टैप लिए बैरल के, बट मैं बच जाता हूँ। उसके बाद पीछे की तरफ मैं आ गया और व्हीकल लेके यहाँ से मैं जोन का रोटेशन करना स्टार्ट कर देता हूँ। अभी ये वही बंदा था जिसने मेरे ऊपर बैरल के सिंगल टैप्स लिए थे, इसको हमने इजीली फिनिश कर दिया। इसके पास व्हीकल नहीं थी शायद से, इसलिए ये ओपन से आ रहा था, ये लो था और मैंने उसी का फायर लिया, बंदा हो जाता है फिनिश। उसके बाद राइट साइड में मेरे को एक व्हीकल दिखाई देते, मैंने सोचा उसके राइट साइड में बंदा कहीं पर लेटा होगा तो फायर लेके देखते अपन। तो यहाँ पे बंदा भी भाई बैक फायर करता है और भाई एकदम ओपन में खड़ा रह गया, जैसे मैंने फायर लिया भाई बंदा प्रोन होके कुछ ट्रिक वगैरह करके मारने की कोशिश कर रहा था, बट उसको हमने फिनिश कर दिया। उसके बाद अभी बचे थे टोटल 3 बंदे जिसमें से एक बंदा शैक के अंदर था, एक बंदा राइट साइड में जहाँ पे स्मोक हुआ है वहाँ पे था और वो बंदा मेरे को स्पॉट भी होगा देखना।
तो यहाँ पे बंदा भाई मेरे स्प्रे से तो बच गया, बट सैक वाला बंदा उसे खत्म कर देता है। अभी बस 1v1 का सिचुएशन था और यहाँ पे देखना कि अभी क्या होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे हमको मिल जाता है एक इजी चिकन डिनर और यहाँ पे बंदा सोच रहा था कि वो बग्गी लेके आएगा, एक जगह पे ठोकेगा, वहाँ पे कवर लगा के पीछे लेट जाएगा और जैसे ही मैं जोन के अंदर एंटर करने की कोशिश करूँगा तब वो मेरे को मारेगा। बट उसके प्लान पे हमने पूरा पानी फेर दिया, एक अच्छा स्प्रे और बंदा हो जाता है फिनिश। बाकी बढ़ते गाइस हम सेकंड गेम प्ले को। यहाँ पे सेकंड गेम प्ले में मैं उतरा था यसनाया पे, यहाँ पे लूट वगैरह कंप्लीट की और तभी मुझे एक बग्गी की साउंड सुनाई देती है। तो यहाँ पे बंदे को उतारने की मैंने कोशिश की बट बंदा नहीं उतरता और बग्गी को ही मैंने ब्लास्ट कर दिया। यहाँ पे एक किल हमको मिल जाता है, उसके बाद यहाँ से मैं सीधा निकलता हूँ ड्रॉप के लिए। तो यहाँ पे ड्रॉप पे तो मैं आ चुका था बट यहाँ पे अभी निकल नहीं सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि भाई पहले अपन स्मोक करते, क्योंकि सामने के साइड एक बंदा था जो कि पुश कर रहा था, जो कि थोड़ा सा एग्रेसिव खेल रहा था, इसलिए मैंने सोचा पहले स्मोक करते, अपने आप को सेफ कर लेंगे स्मोक की मदद से, उसके बाद अपन कुछ ना कुछ अलग करते ये सोच रहा था और देखना यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे भाई बंदा गलती कर देता है, उसने एकदम कंप्लीट ब्लाइंड पुश कर दिया मेरे ऊपर, उसने कुछ देखा नहीं, एटलीस्ट उसको नेड वगैरह तो करने चाहिए थे ताकि मेरी हेल्थ लो हो जाए, बट उसने कुछ किया नहीं ऐसा और उसको हमने इजी फिनिश कर दिया। बाकी अभी मैं बस रोटेट कर रहा था और यहाँ पे देखना अभी। तो यहाँ पे भाई बंदा सीट चेंज करके मेरे को मारने की कोशिश करता है, इसको हमने फिनिश कर दिया। जैसे मैं यूएस भगा रहा था आगे की तरफ, मेरा ध्यान इसी की तरफ था, मैं सोचता था कि बंदा कुछ गलती करे, बंदा जैसे ही गलती करता है मैं उतरता हूँ, इसको फिनिश कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बग्गी का कवर लगा के इससे मैं क्रेट वगैरह लूट लेता हूँ और भाई इसके पास क्या ही लूट थी, इसके पास ग्रोजा और AWM थी। मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि भाई ग्रोजा उठाऊँ या ओम उठाऊँ और देखना इसी बीच यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ये बंदा भाई पता नहीं कहाँ से आ जाता है एकदम से, इसको हमने इजी फिनिश कर दिया। उसके बाद सामने के स्नाइपर टावर से मेरे ऊपर फायर होता है, उसके बाद वो बंदा जो स्नाइपर टावर वाला बंदा था उसने कोई पीक नहीं दिया और यहाँ पे मैं लूट वगैरह कंप्लीट करके रोटेशन करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस वाले बंदे को पूरा डैमेज मैंने दिया बट किल कोई और ही बंदा चुरा लेते, और यहाँ पे देखना अभी। तो यही था वो बंदा जिसने अपना किल चोरी किया था, इसको भी हमने इजी फिनिश कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अभी सर्कल में जाने का टाइम आ चुका था, मैंने सोचा व्हीकल नहीं उठाएंगे, सीधा चलते हुए जाएंगे अपन जोन के अंदर और देखना यहाँ पे क्या होने वाला है। तो
तो यहाँ पे एक इजी किल हमको मिल जाता है। उसके बाद जो राइट साइड में स्मोक हुआ है वहाँ पे एक बंदा था जिसका पूरा ध्यान मेरे ऊपर था, उसने डीपी चलाई थी मेरे ऊपर और यहाँ पे मैं बच जाता हूँ। अभी के लिए यहाँ पे स्मोक वगैरह करके मैं रोटेशन करना स्टार्ट कर देता हूँ। अभी बस तीन ही हम बंदे बचे थे और जोन मेरे से थोड़ा आगे था, मैंने सोचा सामने जो व्हीकल है वहाँ पे स्मोक करके अपन रोटेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं जोन के अंदर तो आ चुका था बट मेरे को कोई भी बंदा स्पॉट नहीं होता है और देखना यहाँ पे क्या होगा। अभी तो यहाँ पे हम आ जाते हैं थर्ड। बाकी गेम प्ले पसंद आया तो गाइस वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल पे जो भी नए हो सब्सक्राइब करो, घंटी के बटन को भी दबा दो और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।